हाय गाइस, वेलकम टू कैन मॉडिफिकेशन। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है कि लाइट को डायरेक्ट बैटरी से कैसे कनेक्ट करें। दोस्तों, अब मैंने इसके ऊपर पहले एक वीडियो बनाया हुआ है, बट आप लोगों के जो मेरी पिछली वीडियो थी उसमें काफ़ी कमेंट आया कि भाई इसके ऊपर फिर से एक वीडियो बनाओ, क्योंकि जो पहले वाला वीडियो था वो उसकी जो क्वालिटी है वो भी अच्छी नहीं थी, उसमें कुछ थोड़ा आपको ढंग से समझ नहीं आया था। तो आज मैं आपको अच्छे से बताऊँगा कि हमें क्या करना है। वो बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस है और हमें सिर्फ एक वायर को कट करना है और उसके साथ एक वायर को अटैच करना है और बस इतना सा ही काम है। तो जो आप पीछे बाइक देख रहे हैं, इसके जो फ्रंट का वाइजर है इसको ओपन करना है और जो हेडलाइट का डूम है उसको ओपन करना है और उसके बाद जो कनेक्शन है उसको करना है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही इस बेल के आइकन को दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी के लिए। हाँ तो फ्रेंड्स, हमें सबसे पहले करना है ये कि जो आप ये फ्रंट वाला पार्ट है इसको ओपन करना है और उसके बाद ये जो हेडलाइट का डूम है इसको ओपन करना है। तो ये फ्रंट वाला पार्ट को ओपन करने के लिए हमें 10 नंबर की की चाहिए और ये 12 ये जो हेडलाइट का डूम है इसको ओपन करने के लिए 12 नंबर की चाहिए। तो ये मैंने चीज़ें पहले से खोल के रखी हैं, तो अभी से बाहर की तरफ निकाल लेते हैं। तो ये जो फ्रंट वाला पार्ट है इसको मैंने ओपन कर लिया है। उसके बाद हमें करना है ये कि जो आप ये वाला स्विच देख रहे हैं, ये जो लाइट मैग्नेट वाली जो वायर जा रही है उसका स्विच है और आपको ये मतलब हर बाइक में इसी टाइप का मिलेगा। किसी के अंदर आपको ये रेड कलर का मिलेगा और किसी में आपको व्हाइट कलर का मिलेगा, पर जो ये वायर्स है ये आपको यही वायर मिलेगी। तो आप ये जो येलो वायर देख रहे हैं ये देखिए यहाँ ऊपर से आती हुई और नीचे की तरफ जा रही है, तो हमें इसका नीचे वाला पार्ट है इसको कट करना है। तो इसको मैंने पहले से कट किया हुआ है, ये देखिए। तो अगर आप इसे हटाते हैं और आप की ऑन करते हैं, अगर आप की ऑन करते हैं और आप लाइट को यूज़ करते हैं तो आपकी लाइट बिल्कुल काम नहीं करेगी, और अगर आप इस वाली वायर को वापस इसी के अंदर लगा देते हैं तो जो लाइट है वो इंजन पे वर्क करेगी। तो हमें अब इसे डायरेक्ट बैटरी पे करना है, तो हमें करना ये होगा कि आपको एक एक्स्ट्रा वायर का टुकड़ा लेना है कुछ स्टेप से। ये मैंने पहले से कट किया हुआ है और इसको इस वायर के साथ कुछ स्टेप से अटैच करना है। अच्छी तरह टाइट कर दें इसको और यहाँ से इसके ऊपर टेप कर लीजिए, ताकि मतलब कि कोई नट वगैरह पर टच ना हो, और टच वगैरह होती है तो इसके अंदर अर्थिंग वगैरह हो जाएगी और वे वायर्स वगैरह जल सकती हैं। तो इसके ऊपर यहाँ से टेप कर लीजिए आप। उसके बाद हमें क्या करना है, ये जो वायर्स है ये जो मैंने इसके साथ येलो के साथ वायर अटैच किया है, और अगर आपको ये वाली वायर इसी के अंदर वापस डालनी है कुछ इस टाइप से तो लाइट आपकी इस पर इंजन पर हो जाएगी। अगर आपको इंजन पर नहीं रखनी है और डायरेक्ट बैटरी से करनी है तो इसके साथ आपको एक वायर अटैच करनी है। उसके बाद ये वायर आपको इग्निशन स्विच के ये वाला जो 4 सॉकेट वाला स्विच है, और इसकी आप ये ब्लैक वायर देख रहे हैं, ये वाली ये आप ब्लैक वायर देख रहे हैं, इस वायर के अंदर हमें इस वायर को लगाना है। और ये देखिए मैंने कुछ इस टाइप से लगाया हुआ है, ये देखिए ब्लैक वायर है इसकी, और ये देखिए मैंने इसके अंदर ये लगाया हुआ है, ये ब्लैक वायर ये मैंने इसके अंदर लगाया हुआ है। और अब ये क्या करना है, हमें इस स्विच को वापस इस टाइप से लगाना है। और अब हम चेक करते हैं लाइट को, ये जो लाइट है इसको हम चेक करते हैं। ये देखिए मैंने ये जो वायर है इसके साथ वायर को अटैच किया और उसके बाद इसके ऊपर टेप मैंने कर लिया। आप याद से टेप कर लीजिए, नहीं तो ये अर्थिंग वगैरह आपके मतलब कि प्रॉब्लम वगैरह हो सकता है और वायर वगैरह जल सकती है वो वाली। तो अब ये देखिए आपको ये की है, मैंने इसको ऑन किया है और ये लाइट वाला स्विच है, ये देखिए। और लाइट को मैं थोड़ा इस तरफ कर देता हूँ ताकि आपको दिख जाए, ये देखिए, और ये लाइट वर्क कर रही है। और ये जो कनेक्शन है ये सेम कनेक्शन सभी बाइक में होगा, और जो भी बाइक्स हैं स्प्लेंडर प्रो है होगी या डिलक्स होगी, स्प्लेंडर और आपको मैंने या HF डिलक्स है या CD डिलक्स होगी या प्रो होगी या एक्सट्रीम होगी, जो भी बाइक्स होती हैं सिंपल बाइक सभी के अंदर है, सेम यही कनेक्शन होगा। हमें वायर को जो कट करना है उसके बाद वायर को अटैच करना है, जो इग्निशन स्विच है उसकी जो ब्लैक वायर है उसके अंदर वो लगाना है। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और जो भी मैंने ये जो चीज़ें बताई आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी जानना है, अगर आपके मतलब आपको कनेक्शन अभी भी समझ में नहीं आया, यार आपके जो मतलब वायर्स वगैरह है या उसमें कोई चेंजेस वगैरह है, तो आप मेरा जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर मेरा ईमेल रहेगा, आप वहाँ पर जाकर मुझे ईमेल कीजिए और मुझे कुछ भी पूछना है तो वहाँ पर पूछ सकते हैं। और आई होप कि आपकी वीडियो पसंद भी आया होगा। अगर आपकी वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में इस बेल के आइकन को दबाइए ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।